हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। तो आज है नागपंचमी या हैप्पी नागपंचमी आप सभी को। तो यहाँ पे नागपंचमी का मतलब सुबह का है। यहाँ पे हम लोग सब लोग नहा लिए हैं सुबह में, और उसके बाद मैं यहाँ पे बना रही हूँ। मतलब नागपंचमी है तो ना मैं नाग बना रही, सब बनाया जाता है। सांप हम लोग को यहाँ पे मतलब गेम द्वार जो होता है गेट, उसके मतलब दोनों तरफ यहाँ पे मैं बना दी हूँ। गोबर से, गाय के गोबर से बनाया जाता है, तो गाय के गोबर से मैं बना ली हूँ। उसके बाद हरी दुबी और सिंदूर ये सब लगा देते हैं, इसे शुभ होता है इसलिए लगाया जाता है सबके मतलब यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे लगा देती हूँ, और उसके बाद देखिए मैं क्या करती हूँ। हर लोग के यहाँ पे ना अलग अलग मतलब तरीके से मनाया जाता है, और यहाँ पे मतलब उसी के लिए लाबा बना रहे हैं, धान का लाबा। तो इसमें धान रख दिए हैं और इसको लाबा बनेगा, जैसे मकई का जो मतलब फूट जाता है बड़ा बड़ा, ऐसे ही मतलब ये भी होता है तो धान का बनता है। तो यहाँ पे ये मेरी है मतलब माँ जी, तो वो बना रही हैं। तब तक मैं इधर कर रही थी, तब तक मतलब वही चढ़ाएंगे, तो इसलिए वो काम यही कर रही हैं अभी। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे बन चुका है, इतना सारा बन गया है। तो इसमें ना धान भी रहता है, तो इसको हाथ से ना ऐसे ऐसे मतलब दोनों मतलब ऐसे ऐसे मसलेंगे थोड़ा हल्का हल्का, तो अपने आप मतलब धान छूट जाएगा। तो उसके बाद खाने में दूध के साथ भी खाने में अच्छा लगता है, चाय के साथ भी खाने में अच्छा लगेगा, ऐसे भी खाने में अच्छा लगेगा। तो मैं यहाँ पर पूजा भी कर ली हूँ, तो वही दिखा रही थी मैं। यहाँ पे मैं दूध लावा मंदिर में मतलब रख दी हूँ, और वो जो है ना कुल देवी को चढ़ा जाता है मतलब दूध लावा। हर तरह हर यहाँ के अलग अलग नियम होता है। तो जो कुल देवी मतलब देवी देवता रहता है हमारे घर में जो रहता है, तो उसको चढ़ाया जाता है। तो ये मेरे माँ जी मतलब चढ़ाई थी, और यहाँ पे ना वही लावा छीट रही है सब दर घर आंगन पूरे द्वार पे सबसे छीट देखे रहे, मैं वही दिखा रही थी। तो यहाँ पे पूरे घर सब में छीट दी है, और एक बार और शाम में छिटाएगा। उसमें कुछ मंत्र उंतर मतलब पढ़ के, और चूहा का जो मिट्टी कोर देता है वो मिट्टी और दुब्भी ये सब मिला उला के मतलब छीटते हैं शाम के टाइम में 6 बजे, मंत्र सब पढ़ा के लाते हैं। फ्रेंड, तो आज मैं बनाऊंगी खीर, तो चलिए मेरे साथ में खीर बनाना बताती हूँ। तो ऐसे तो इसमें भी बना सकते हैं इसमें, और लेकिन मैं आज इसमें नहीं बनाऊंगी, आज मैं बनाती हूँ कुकर में। ये मैं इसलिए कि इसमें ना मतलब पूरे हंड मतलब पूरे ऊपर तक फैल जाएगा। चलिए मैं यहाँ पे गैस जला लेती हूँ, गैस जल गया, नहीं दिख रहा, दिख रहा, गैस जला लिया। और ये जो है ना ये पनीर चिपक गया है, मैंने पनीर पर गरम ये डाल दिया था। और मेरा यहाँ पे है ये 1 किलो का दूध है। अंधेरा हो गया है ना इसलिए मतलब इतना लाइट नहीं आ रहा क्लियर। मैं इसमें दूध डाल देती हूँ, और आज ना मैं इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालूंगी, सिर्फ दूध का ही बनाऊंगी, थोड़ा सा चावल का। तो चलिए मैं रेसिपी बताऊंगी आप लोग को कि देखिए मैं खीर कैसे बनाती हूँ। इसको गर्म होने के लिए छोड़ देंगे, और इसको हम ढक देते हैं।
और इसको ना इससे ढक देते हैं, इससे ढक देंगे, इस पर ढक्कन नहीं लगाएंगे तो ढक्कन भी दूध के साथ गंदा हो जाएगा, तो धोने में मुझे बहुत झंझट लगेगा। तो इसको गर्म होने देते हैं, तब तक मैं चावल धो लेती हूँ, ड्राई फ्रूट काट लेती हूँ। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। और इसके बाद मैं यहाँ पे चावल धो के रख ली थी पहले से ही, तो यहाँ पे दूध मेरा गर्म हो चुका है, दूध में उबाल आ गया है। तो मैं यहाँ पे डाल देती हूँ चावल, और चावल डाल के उसके बाद चलाते रहेंगे, दूध को भी चलाते रहेंगे, और साथ में मैं ड्राई फ्रूट बादाम, मेरे पास सिर्फ बादाम ही था तो मैं बादाम काट लेती हूँ। काजू था लेकिन काजू ख़राब हो चुका था, काला काला पड़ गया था काजू में, तो सिर्फ मैं यहाँ पे बादाम को मैं काट लूँगी, बीच बीच में चलाते रहूँगी। हमारे यहाँ क्या होता है ना कि मतलब जैसे नागपंचमी है तो नागपंचमी, यहाँ पे खीर बन गया है, खीर बन रहा है, आयुष खाएगा, आयुष सो के उठा है, आयुष रो रहा है अभी। अरे बेटा तुमको खीर खिलाते हैं, आ जा अब। तो क्या होता है ना कि नागपंचमी के दिन हमारे लोग के यहाँ के मतलब रोटी नहीं बनता है किसी के यहाँ भी, जैसे कि उलटने वाला चीज़ ना रोटी नहीं बनता है, और पकौड़ा वकौड़ा भी नहीं बनता है इस पर्व में। और ऐसे ना बूढ़ सुर कह रही थी कि मेरी दादी लोग भी कहती थी कि इसमें ना रोटी नहीं बनाया जाता है, मतलब सिर्फ मतलब चावल या कुछ मतलब ऐसे खीरा मीठा चीज़ तो बनता ही है। तो इसलिए मैं आज खीर बना रही हूँ रात के डिनर में। और यहाँ पे लाइट की बहुत दिक्कत हो रहा था, लाइट आ जा रहा कट रहा जाता, इसलिए ऐसा वीडियो है। और देख रहे हैं ना कितना गर्मी है। तो यहाँ पे मैं चाय भी छान लेती हूँ, और मैं चीनी में डाली थी तो चीनी डाल दूँगी, सबसे लास्ट में चीनी डालेंगे, नहीं तो पहले डाल देंगे ना तो चीनी मतलब उससे ना चावल मतलब अच्छा से नहीं सीझेगा, कच्चा रह जाएगा चावल। तो यहाँ पर मेरा खीर बन के तैयार हो चुका है, और मैं इसमें डाल देती हूँ बादाम ड्राई फ्रूट। तो मेरा खीर बन के तैयार हो चुका है, और मैं देखा ना तभी वीडियो अथी लाइट कट गया था तो नहीं दिखा। और यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ खाना, और इतना चावल में ना मुझे मतलब तीन आदमी मतलब हो गया था, कम ही पड़ गया था। और मतलब आप लोग यहाँ मतलब कम पड़े ना तो आप पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं आज अच्छा से बना रही थी तो मैं आज पानी नहीं डाली हूँ, फिर भी हो गया, मैं मुझे कम गया, मेरे लिए नहीं हुआ, थोड़ा सा बचा दो तीन चम्मच, और इतना बचा है ना जिससे मैं आधा आयुष खा लिया था, आधा से ज़्यादा। और ये सब मैं अपने सास ससुर को दे दूँगी खाना, और बस ऐसे। और यहाँ पे आयुष लोग टीवी देख रहा है, सब लोग टीवी देख रहे हैं, यहाँ पे मस्ती हो रहा है। तो आप लोग के गांव में किस तरह से मनाया जाता है नागपंचमी, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे मानसी और ये देख रहे हैं ना, या दोनों और यहाँ पे गाना बज रहा था तो सब डांस कर रहा था आयुष। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय करूँगी, और ऐसी गुड नाइट। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर भी जरूर करिएगा।